आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राकेश टिकैत भी होंगे महापंचायत में शामिल। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। रामलला के दर्शन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टरों की छुट्टियां की गई रद्द। सरकारी अस्पतालों में 90% बेड पर बुखार पीड़ित हैं भर्ती। ट्रेंड टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से बढ़ेगा यूपी का विकास। 15 राष्ट्रों में तैनात भारतीय राजदूतों ने की सीएम योगी से भेंट। सीएनजी 2 रुपए और पीएनजी 3.30 रुपए महंगी। सीएनजी की कीमत अब 97 रुपए हुई। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उन्नाव में जूनियर विद्यालय में गाली गलौज टीचर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में टीचर शराब पीकर गाली गलौज करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि स्कूल में अभिभावक शिकायत करने पहुंचे थे, जिसके बाद टीचर ने युवक से जमकर अभद्रता की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं BSA ने वीडियो के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चैतन्य हमसे जुड़ेंगे। चैतन्य, उन्नाव में जूनियर विद्यालय में गाली गलौज करते टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। जी, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला बिछिया ब्लॉक के जूनियर विद्यालय अतरसा का है, जहां पे एक शिक्षक द्वारा नशे की हालत में गाली गलौज का पूरा मामला सामने आया है। वहां पे जो भी शख्स वीडियो बना रहा था, उससे भी उसने लगातार जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद जो है रजिस्टर से छेड़छाड़ लगाने का आरोप लगाने लगा। लेकिन जो वीडियो बना है उसमें साफ तौर पे स्पष्ट देखा जा सकता है कि जो शिक्षक था वो नशे की हालत में था। वहीं पूरे मामले में जो BSA है संजय तिवारी, उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। वहीं सूचना मिल रही है कि उक्त शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है। जी जी, धन्यवाद चेतन तमाम जानकारियों के लिए। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहार को शांति एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए कई क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर दी है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में पैदल एवं बाइकों से फ्लैग मार्च भी किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कई व्यापारियों से बातचीत की और दुकानों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद बियर आदि की दुकानों पर स्टॉक का निरीक्षण कर दुकानों और ठेकों पर मौजूद संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की भी चेकिंग की। नोएडा में ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी में 1 साल की मासूम बच्चे पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। हमले से बच्चे के पेट में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद इलाज के दौरान मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद सोसाइटी के लोगों ने स्ट्रीट डॉग का डर कायम है। वहीं सोसाइटी के लोगों ने इकट्ठे होकर स्ट्रीट डॉग को लेकर उचित कदम उठाने की मांग की है। बुलेवर्ड सोसाइटी है, यहाँ पे हम लोग पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा कुत्तों के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके आतंक से इफेक्टेड हो रहे हैं। और आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एक हमारे यहाँ लेबर काम करता है, उसके बच्चे को कुत्ते ने ऑलमोस्ट मतलब इतना बुरी तरह जख्मी किया है कि बच्चे की सर्जरी चल रही है हॉस्पिटल में। और यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कुत्तों को बाहर नहीं निकाला जा रहा, उनके लोग फीड करते हैं और वो सारे कुत्ते आदमखोर हो चुके हैं। ना नोएडा अथॉरिटी इसके ऊपर कोई काम कर रही है, ना कोई एक्शन हो रहा है और सारे लोग इससे हुए। कभी किसी को काटता है, हर 1-2 महीने में इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं।
हरदोई के कछौना इलाके में बाइक सवारों ने सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बस से उतरकर पति के साथ पैदल घर जा रही महिला से बदमाशों ने लूट की। वारदात के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं एसपी ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। है शाम को मल्लावा के हैं मोहम्मद वहीद, अपने परिजन के साथ इधर गढ़ी कमालपुर की तरफ जा रहे थे, तो दो मोटरसाइकिल वालों ने उन्हें रोक करके और उनके सर पर वार किया है और उनकी पत्नी से कान का बाला और चेन, एक अंगूठी और एक मोबाइल छीन के भाग गए हैं। पुलिस द्वारा चारों तरफ चेकिंग की जा रही है और शीघ्र ही इसमें इसका खुलासा किया जाएगा। हरदोई में डेंगू महामारी के चलते कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिससे बचाव को लेकर सपा के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव ने जिला कलेक्ट्रेट कचहरी में डीएम कार्यालय के पास से दवा छिड़काव का शुभारंभ किया। साथ ही दवा छिड़काव अभियान को अधिवक्ता संघ हरदोई के पूर्व अध्यक्ष ने हरी झंडी देकर रवाना किया और इस सराहनीय पहल के लिए सपा नेता को बधाई और आभार भी जताया। उत्तर प्रदेश और पूरे हरदोई जनपद में डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है और शासन प्रशासन सोया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग सो रहा है, लेकिन आज डेंगू से जिस प्राइवेट अस्पताल में देखिए आप सैकड़ों मरीज भर्ती हैं, कई लोगों की डेंगू से जान जा चुकी है। जो ट्रामा सेंटर में डेंगू का जो वार्ड बना है उसमें ताला पड़ा हुआ है, तो हम समाजवादी लोगों ने आज हरदोई के कलेक्टर से यहाँ से दवा छिड़काव का शुभारंभ किया है और 2600 वार्ड में पूरे शहर में दवा छिड़काव लगातार अभियान चलता रहे। के लिए हमारे संवाददाता हर्षराज हमसे जुड़ेंगे। हर्षराज, हरदोई में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। जी मयूरी, आपको बताना चाहेंगे सपा नेता राम जान गुप्ता हैं, ये समय समय पर वार्डों में छिड़काव कराते हैं और इसको अधिवक्ता संघ के जो पूर्व अध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने हरी झंडी दी थी और इसमें ये जो सपा नेता है समय समय पर वार्डों में छिड़काव कराते हैं और ये जो डेंगू इस समय जो बड़ी बीमारी है उससे निजात दिलाते हैं। समय समय पर ये वार्डों में और ये तमाम ऐसी जगहें हैं जो जैसे कलेक्ट्रेट है, नगर पालिका के अंतर्गत जो भी जगह आती है वहाँ छिड़काव कराते हैं। जी धन्यवाद हर्षराज तमाम जानकारियों के लिए। अंबेडकर नगर में महिला थाना अध्यक्ष वंदना अग्रहरी की कार्यशैली इन दिनों काफी चर्चा में है, साथ ही पुलिस अफसरों के लिए मिसाल भी है। आपको बता दें कि पति पत्नी के विवाद के शिकायत लेकर अक्सर महिलाएं आती हैं, जिसके बाद थाना अध्यक्ष वंदना थाने में आने वाले आधे से ज्यादा मामलों में पति पत्नी को समझा बुझा कर मामलों का निस्तारण कर देती है, जिसके चलते कई मामलों को समझबूझ से निस्तारण करवाकर फरियादियों को संतुष्ट करने वाली महिला थाना अध्यक्ष इन दिनों सुर्खियों में है। तो आप थाने पे आई, पुलिस की कार्यशैली संतुष्ट है? जैसे हमारी गलती हमें बोले, इनकी गलती मैंने बोली। कितने दिन का विवाद था, क्या मामला था? मामला सर कोई नहीं था, मामला जो काम कोई करती है बिना पूछे संदेश थोड़ा हमसे पूछ लिए, कोई बात हो घर में कोई विवाद हुआ था। कितने दिन का विवाद था? विवाद तो 5-6 दिन था। पुलिस के कार्यशैली संतुष्ट है? जी हम तो संतुष्ट हैं। आज करीब हम लोग के पास 8-9 मामलों का निस्तारण किया गया, कुछ की डेट दे दी गई है। पूर्व से एक मामला चला रहा था, पत्नी है अमराधा है, पत्नी रमेश,
इनका मामला निस्तारित किया गया है। दोनों पर छापा सुलह समझौता करने के लिए तैयार हो गए। राजीव खुशी उनकी विदाई की जा रही है और काफ़ी मामलों में दोनों को निस्तारित करने की कोशिश की गई है और कुछ की डेट दे दिया गया है ताकि वो भी निस्तारित हो जाए। तो जो भी मामला निस्तारित हुआ है उस मामले से विपक्षीगण खुश हैं? जी जी जी, दोनों खुश हैं। पत्नी भी खुश है, पति भी खुश है और दोनों का सुलह समझौता भी करा दिया गया है। विदाई कराने की भी उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।